जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज काफ़ी सारे लोगों ने जो है CSF हेड कॉन्स्टेबल मिनी स्टेल का मॉक टेस्ट दिया। तो दोस्तों आज का जो मॉक टेस्ट था वो पहले वाले मॉक टेस्ट से थोड़ा सा मैंने मॉडरेट लेवल का बनाया था। तो अब फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमें पता ही नहीं लगा कि मॉक टेस्ट का लिंक कहाँ है, हम कैसे ज्वाइन करें। दोस्तों ये जो स्क्रीन दी हुई है आपको, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिलेंगी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हुआ मॉक टेस्ट, इस वीडियो के अंदर आप जाओगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है ना, आप इस वीडियो का जब डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो मॉक टेस्ट। दूसरा फ्रेंड्स, जब आप इस चैनल के अबाउट में जाओगे, डिटेल्स में जाओगे, तो यहाँ पे भी जो है आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक दिया हुआ है। यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, यहाँ से भी आपको लिंक दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स आज का जो मॉक टेस्ट था वो मैंने पर्सनली आप लोगों के लिए इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि कोई इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर ना कर पाए, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर भी जो है मैंने इसके अंदर एक कैटेगरी का ऑप्शन डाला था और क्वेश्चंस जो थे वो उसके अकॉर्डिंग सेट किए थे, हिंदी इंग्लिश दोनों लोग कर पाए। तो फ्रेंड्स लगभग जो है इसमें 1756 लोगों ने जो है अब तक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो रिजल्ट है वो मैंने बेसिकली तैयार कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों कॉमेंट कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि सर आपका जो क्वेश्चन था वो गलत था, उसमें कुछ क्वेश्चन गलत थे। देखो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था आपको कि मैं मॉक टेस्ट बनाने वाला अकेला हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है। मैं पूरा दिन पहले क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद उनको जो है इसमें टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद उनको इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट करके फिर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेट करना पड़ता है क्वेश्चन पेपर को। सेट करने के बाद दोस्तों जैसे आप लोगों को आसान लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये कोई क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इन चारों ऑप्शन में से इसके आंसर की भी सेट करनी पड़ती है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, क्लिक करते टाइम जो है ना यहाँ से डन नहीं होता, कई बार सेव नहीं हो पाता, उस वजह से एक आधा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। ऐसी भी बात नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन गलत हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोगों ने जो है पेपर अटैम्प्ट किया, इसमें 75 क्वेश्चन थे। 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं अपना नाम फिल कर देता हूँ एक बार, उसके बाद देखेंगे दोस्तों इस पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना था 75 पे आने के बाद। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा चूज लैंग्वेज, आप इसमें इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने हिंदी कर दी, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको हिंदी के आंसर मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट करोगे तो इंग्लिश के मिल जाएंगे, हिंदी करोगे तो हिंदी के मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही दोस्तों आपका जो पेपर है ना वो कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों आप अपना स्कोर यहाँ से चेक कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बार बार पूछ रहे हैं कि सर हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा स्कोर क्या है। एक तो आपका स्कोर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये 125 जो है ना, ये ऐसे ही लिखा रहा है कि 100 में से हैं आपके मार्क्स जो यहाँ आएगा वो। उसके बाद दोस्तों आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था तो इसके आंसर मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। जो आप क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट करोगे, टिक करोगे, केवल आपको उसी का आंसर पता चलेगा कि कौन से का आंसर क्या है। जैसे इसमें मैंने कुछ भी टिक नहीं किया था, ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ अब इसके आंसर दिखाई नहीं दे रहे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके करता तो मेरे से सारे आंसर इसके दिखाई दे जाते। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसकी मेरिट लिस्ट की, इसके रिजल्ट की। दोस्तों जो आपका जो रिजल्ट है ना दोस्तों, वो उसकी मैंने PDF तैयार कर दी है, अभी वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। दोस्तों जो मैंने मेरिट लिस्ट तैयार की है उसमें मैंने दो तरीके से मेरिट लिस्ट तैयार की है। एक तो मैंने कंप्लीट लोगों की तैयार की है, दूसरी मैंने कैटेगरी वाइज लिस्ट तैयार की है। जैसे कंप्लीट वाली है दोस्तों, इसमें कोई कैटेगरी वाइज सीन नहीं है, जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉर्ट किया है। अब जैसे दोस्तों ये पर्सन है मोहम्मद साजिद, इसके 100 नंबर आए हैं। दोस्तों इस पर्सन को मैंने आज तक कभी यूट्यूब पे नहीं देखा, इसका ना कभी कॉमेंट देखा ना कुछ और। ये अगर आप इसको देख करके थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हो ना, तो फ्रेंड्स ये 100% जो है फेक कैंडिडेट है। फेक इन द सेंस इसने पहले सबमिट कर दिया, सारे आंसर इसको मिल गए होंगे, उसके बाद जो है इन्होंने जो सारे ऑप्शन टिक कर दिए होंगे, ठीक है। तो एक मतलब आइडिया लग ही जाता है कि कोई 100 में से 100 मार्क्स कैसे ले सकता है ना। क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसके आंसर गलत थे, कुछ कह रहे क्वेश्चन गलत थे, है ना। तो एक आधे क्वेश्चन का तो डिफरेंस आ ही जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप अपना स्कोर जो है यहाँ से चेक कर सकते हो। मैंने कंप्लीट जो है ना दोस्तों 1662 लोगों की जो लिस्ट है वो कंप्लीट मैंने इसमें डाल दी है। ये जीरो वाले वो लोग हैं दोस्तों जिसने स्टार्टिंग में जो है एक बार टिक किया,
नाम डाला और अपना सबमिट कर दिया, तो यहाँ पे उनका नाम आया हुआ है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कैटेगरी वाइज लिस्ट की। तो दोस्तों कैटेगरी वाइज लिस्ट जो मैंने डाल दी है, इसमें अनरिजर्व्ड की सबसे टॉप में है। इसके अंदर दोस्तों अनरिजर्व्ड की 222 सीट हैं, 222 सीटें हैं, तो आप लोग देख लेना 222 तक अगर आपका नाम आया है इसमें तो मैं मानता हूं कि आप लोग सिलेक्टेड हो। इसके अलावा दोस्तों जैसे 73 वाले का नाम जैसे यहाँ पे आ गया, अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये मॉक टेस्ट दिया ही नहीं लेकिन वो रिटर्न एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं, है ना। तो मुझे ये लगता है कि ये जो मेरिट है वो इस पेपर की जो है 85 प्लस जिसके मार्क्स आए हैं वो उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों नीचे जो है ओबीसी कैटेगरी की भी इसमें डली हुई है, और मतलब लगभग सभी कैटेगरी की इसमें डली हुई है। गलती फ्रेंड्स इस बार ये हो गई कि जो मॉक टेस्ट हमने रखा था, जो गूगल फॉर्म डिजाइन किया था, उसमें मैंने मेल फीमेल का कॉलम नहीं डाला। अगर मैं मेल फीमेल का कॉलम डालता तो मैं आपको अच्छे तरीके से इसकी मेरिट निकाल करके बकायदा दिखाता, जो कि हम अगले मॉक टेस्ट में करने वाले हैं। इस बार दोस्तों इसी मेरिट लिस्ट से आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी कट ऑफ जो है वो कैसी है। दोस्तों जब भी आप अपना मॉक टेस्ट देते हो अपना नाम जरूर डाला करो, कंप्लीट नाम डाला करो। ये मॉक टेस्ट किसी को दिखाने के लिए नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, टेलीग्राम चैनल में ये सब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से मॉक टेस्ट देते रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। टोटली प्रॉफिट इसमें आपका ही है, किसी और का इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, मेरा भी इसमें जीरो प्रॉफिट है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए और जो वीडियोस को देखते रहिए, जो वीडियो आपको पसंद आए उसको शेयर करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जय हिंद।